दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे से एक रात पहले 16 साल की रुचि बहुत खुश थी। अपनी छत से वो आसमान की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि अगले दिन सुबह वही आसमान पतंगों से भर जाने वाला था। वैसे तो पतंग उड़ाना और 15 अगस्त दोनों अपने आप में खास हैं, पर पुरानी दिल्ली की छतें उस दिन कुछ अलग ही चहक उठती थीं। रुचि हर साल पुरानी दिल्ली अपनी ताईजी के घर बस यही देखने आ जाती, पर उस छत से कुछ और भी दिखता था। सालों से खाली पड़ा एक घर, C-145, वो रुचि के ताईजी के घर के ठीक सामने था और एक खंडर बन चुका था। लेकिन रुचि जब उस रात आसमान की तरफ देख रही थी तो अचानक उसे उस खंडर में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बूढ़ी औरत दर्द से कपकपा रही है और मदद के लिए किसी को पुकार रही है। उसने ध्यान से देखा तो उस घर की खिड़की पर कोई बूढ़ी औरत खड़ी थी। दूर होने की वजह से रुचि को उसका चेहरा साफ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि वो औरत शायद उसी की तरफ देख रही है। रुचि देखकर बेहद घबरा गई और छत से भाग गई। रुचि ने अपने कमरे में पहुंचने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस खिड़की को एक बुरा सपना मानकर वो किसी तरह सो गई। अगले दिन इंडिपेंडेंस डे की बधाइयों के बीच सब अपनी अपनी पतंगें तैयार करने में लगे हुए थे, पर रुचि अब तक पिछली रात के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन जब उसका ध्यान पुरानी दिल्ली के आसमान पर गया, जो हर रंग की पतंग से खिलखिला रहा था, तो वो भी अपनी पतंग को तैयार करने में लग गई। रुचि अपनी पतंग को उड़ाने ही जा रही थी कि पता नहीं कैसे कोई कंकड़ आया और सीधा रुचि की पतंग पर लगा, जिससे उसकी पतंग फट गई। रुचि बहुत ज्यादा मायूस हो गई। लेकिन तभी उसने अपने सामने वाले घर C-145 की खिड़की पर देखा तो एक कटी पतंग उड़ते उड़ते उसी खिड़की के अंदर जा गिरी। रुचि सोच पाती कि उसकी पतंग पर कंकड़ किसने मारा है। उससे पहले ही उसे एक नई पतंग दिख चुकी थी और वो किसी को बिना बताए सामने वाले घर में पतंग लेने चली गई। जब रुचि उस एड्रेस तक पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। बंद पड़े घर का दरवाजा खुला होना अजीब था, पर बिना कुछ सोचे समझे वो अंदर चली गई। घर में बस अंधेरा था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास पड़ी उस नई पतंग पर गई। रुचि उस पतंग को उठाने ही वाली थी कि उसे अचानक किसी चीज के सड़ने की बदबू आने लगी। वो बदबू बाथरूम की तरफ से आ रही थी। रुचि जब वहां गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम में एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। रुचि ये सब देख ही रही थी कि अचानक उस लाश ने अपनी आंखें खोली और वो अजीब तरीके से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उठने की कोशिश कर रही है। रुचि घबराहट के मारे बहुत जोर से चिल्लाई और उस घर से बाहर की तरफ दौड़ी। वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी और उसकी ताई जी उसके साथ बैठी हुई थी। रुचि उन्हें गले लगाकर बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी कि सामने वाले घर में कोई मर गया है। तब उसकी ताई हैरान हो गई और उन्होंने बताया कि वो घर चांदनी चौक का एक बहुत पुराना घर है। वहां कोई जानकी देवी नाम की औरत रहती थी। वो उस घर में अकेले रहती थी और कभी बाहर नहीं निकलती थी। लोग कहते थे कि वो बहुत खड़ूस थी और कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी और एक हफ्ते तक किसी को पता भी नहीं चला कि वो औरत मर गई थी। जब उसके घर से सड़ी हुई बदबू आने लगी तो कुछ लोग देखने गए और उन्होंने पाया
कि जानकी देवी तो बाथरूम में गिरने की वजह से मर चुकी है। ये सब सुनकर रुचि का दिल बैठ गया। उस दिन के बाद से रुचि ने अपनी ताईजी के घर जाना एकदम बंद सा कर दिया। लेकिन आज भी रुचि उस बूढ़ी औरत की वो दर्दनाक चीखें कभी भूल नहीं पाएगी।